नमस्कार साथियों, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी के छात्र छात्राओं के लिए एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पीजी फोर्थ सेमेस्टर जिनका सेशन 2020 से 22 है, उनका फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है, उनका एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होना है, किस कॉलेज का सेंटर कहाँ दिया गया है, ये सारा चीज एक नोटिस में दिया गया है। हम डिस्कस करेंगे उन नोटिस का, लेकिन इससे पहले यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हम चलते हैं नोटिस के माध्यम से, देखते हैं कि क्या क्या इस नोटिस में बताया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक नोटिस को देख सकते हैं, इस नोटिस में यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है कि डेट ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म एंड फी ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि जो डेट बताया गया है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो कि है www.lnmuac.ac.in। इस वेबसाइट पर जाके आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सबसे पहले फिलअप करना है, जो कि डेट है 5 अप्रैल 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक, बिना किसी लेट फाइन का। मिनिमम लेट फाइन चार्ज करते हुए यह 11/4/2023 से 13/4/2023 तक आपको लेट फाइन के साथ भरना है। इसी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का भी डेट दिया गया है, जो कि है 16 मई 2023 से 23 मई 2023 तक। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल का डेट है दोस्तों, एमए और एमएससी के बीच में। एग्जामिनेशन प्रोग्राम की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले है ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। ग्रुप ए, बी, सी, डी, चार ग्रुप सब्जेक्ट का बनाया गया है, जिसमें दोस्तों ग्रुप ए में है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी। ग्रुप बी में इसी प्रकार से है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, AIH एंड सी, संस्कृत, म्यूजिक, ड्रामाटिक्स। इसी प्रकार से ग्रुप सी का जो है केमिस्ट्री, बोटनी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस एंड साइकोलॉजी। और ग्रुप डी का जो है जूलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, उर्दू और मैथिल। इस प्रकार से चार ग्रुप सब्जेक्ट का बनाया गया है। अब इन चार ग्रुप का जो एग्जामिनेशन डेट और टाइम बताया गया है दोस्तों, इस प्रकार से है प्रोग्राम फॉर एमए, एमएससी, एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर सीबीसीएस सेशन 2020 से 22, एग्जामिनेशन 2022, जो कि है डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है 24 तारीख से आपको स्टार्ट है अप्रैल में, 24 अप्रैल 2023 से, जो कि 28 अप्रैल तक यह एग्जाम चलेगा। और एग्जाम है 24 अप्रैल 2023 को, तो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा 9 बजे से 12 बजे दोपहर तक। पहला जो है पेपर EC1 का है, जो ग्रुप ए का है। ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसा कि ग्रुप ए में सब्जेक्ट है मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, इनका 24 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, यानी कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में एग्जाम होगा। इसी प्रकार से सेकेंड सिटिंग जो है दोस्तों, पेपर EC1 का ही ग्रुप बी है, सेकेंड सिटिंग का स्टार्ट टाइम है 1 बजे से लेके 4 बजे शाम का, जो कि ग्रुप बी है। ग्रुप बी में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, AIH एंड सी, संस्कृत, म्यूजिक, ड्रामाटिक्स है। प्रकार से 25 को जो दिया गया है EC1 फर्स्ट सिटिंग। ग्रुप सी, ग्रुप सी वाले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि आपका केमिस्ट्री, बोटनी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और साइकोलॉजी है, तो आप ग्रुप सी में है, जो जिसका एग्जाम 25 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। और इसी प्रकार से सेकेंड सिटिंग जो है दोस्तों EC1 का, यह ग्रुप डी का है। ग्रुप डी का जो सब्जेक्ट है जूलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, नो सॉरी फिलोसफी, उर्दू और मैथिली, तो ये ग्रुप डी का है। इसी प्रकार से 26/4/2023 को EC2 है। EC2 में ग्रुप ए आता है, तो ग्रुप ए में है। इस प्रकार फिर से सब्जेक्ट हो गया ग्रुप ए का फिजिक्स, इंग्लिश सॉरी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी। EC2 का ग्रुप बी सब्जेक्ट जो है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, AIH एंड सी, संस्कृत, म्यूजिक, ड्रामाटिक्स। और 27 तारीख को EC2 और ग्रुप सी का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बोटनी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और साइकोलॉजी। और 27 तारीख को ही EC2 ग्रुप डी का जो सब्जेक्ट है जूलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, उर्दू और मैथिली। इस प्रकार से ये सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। और 28 तारीख को है दोस्तों DSE1 और GE1 का फर्स्ट सिटिंग में, ऑल सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स वालों के लिए। ग्रुप साइंस और कॉमर्स वाले को फर्स्ट सिटिंग में ही होगा 28 तारीख को। और सेकेंड सिटिंग की बात करें तो दोस्तों DSE1 और GE1 ऑल सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स वाले का, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में जो दिया गया है वो कॉमर्स और साइंस वाले का है और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का है। अब देखते हैं दोस्तों किस कॉलेज का
कहाँ पर सेंटर दिया जाए। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें दोस्तों, इसमें एग्जामिनेशन सेंटर कुछ इस प्रकार से है। ऑल पीजी डिपार्टमेंट ऑफ LNMU दरभंगा एंड पीजी टीचिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट्स अंडर द दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पीजी के कॉलेज हैं, उनका सेंटर KS कॉलेज लहरिया सराय दरभंगा में बनाया गया है। इसी प्रकार से RK कॉलेज मधुबनी, इसका सेंटर BM कॉलेज रायका दिया गया। 3 नंबर पे जो दोस्तों ऑल पीजी टीचिंग कॉलेज ऑफ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, समस्तीपुर में जितना भी पीजी कराने वाले कॉलेज है, उनका सेंटर RNAR कॉलेज समस्तीपुर दिया गया है। और GD कॉलेज बेगूसराय का सेंटर जो है वो RCS कॉलेज मझौल दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों एग्जामिनेशन प्रोग्राम से लेके एग्जामिनेशन सेंटर तक और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट, हर एक चीज मैंने बारीकी से बताया। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को और भी ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।